करने वाले हैं कंपेयर इंटीजर्स। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो आपको दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको कि 4 > -3। ओके, तो 4 > -3 कैसे, तो आपको पता लग ही रहा है, लेकिन एक ये समझने का है इसमें कि जब नेगेटिव और जो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो जो नेगेटिव नंबर रहेगा कितना बड़ा वाला भी रहेगा तो भी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर आपको दे रखे हैं, तो जो छोटा वाला नेगेटिव नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा बड़े वाले नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे ये तो सिंपली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है और दिस इज़ नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ओके, देन यहाँ पे 4 और 3 ये पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 4 > 3। ओके, नाउ 0 0 और -1, देखिए तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता है और माइनस ये नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा अगर नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर है और 0 से कंपेयर करना है, नेगेटिव नंबर कितना भी आपको 14, 15, 16 कोई भी दे रखा है तो भी वो क्या रहेगा, हमेशा उससे 0 से छोटा ही रहेगा। तो 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, अंडरस्टूड। नाउ -3, -2 और -3 दोनों को कंपेयर करना है, तो अभी आपको बताया था कि हमेशा जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, वो ग्रेटर रहेगा हमेशा। तो ये हो गया, देन -12 और -7 इसमें भी कंपेयर करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, तो अभी हम लोग ये प्रॉपर साइन लगाएंगे, देखिए ये राइट द प्रॉपर, देखिए इसमें भी अगर हम लोग अपर नंबर 9 लाइन में भी देखेंगे, तो जैसे इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन वाले ग्रेटर देन नेगेटिव। ओके, और दूसरा क्या बताया था आपको कि 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ओके, 0 हमेशा बड़ा होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो आप, ठीक है। और एक और बताया था आपको कि नेगेटिव, जो छोटा नेगेटिव नंबर है ऑलवेज ग्रेटर देन बिगर नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये हो गया है। नाउ राइट द प्रॉपर साइन, ठीक है, यह हमको प्रॉपर साइन डालने हैं। -4 और 5 को कंपेयर किया तो कौन बड़ा होगा, क्या बताया था आपको, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो 5 इज ग्रेटर देन। नाउ 8 और -10, इसमें भी सेम आ गया, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, देन 8, ठीक, +9 और +9 इक्वल है, तो ये उठिया इक्वल साइन। ओके, नाउ -6 और 0 को कंपेयर किया है, अभी आपको बताया था 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, तो 0 इज ग्रेटर देन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7 और 4, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली 7 इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। 3 और 0, अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है ना 0 के साथ, दैट मीन 3 इज ऑलवेज, ये हमेशा ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट -7 और 7, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, दिस साइन। देन -12 और 5, सो भी सेम आएगा कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ये, ठीक है। नेक्स्ट इज -2 और -8, ये हमने बताया था आपको कि जो नेगेटिव नंबर्स, अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो उसमें जो छोटा वाला नेगेटिव नंबर है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक है, तो ये, ठीक है। जैसे अब इसको अगर हम नंबर 9 में देखें तो ये -2 और -8 का दिया हुआ है ना, तो अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, तो ये देखो छोटा होता गया है ना, जितना हम इसको नेगेटिव नंबर, जितना हम लेफ्ट साइड में जाते रहते हैं उतना वो छोटा होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट -1 और -2, ये भी सेम है, तो स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन। ओके, नेक्स्ट इज 6 और -3, 6 इज ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। -14 और -14,
इक्वल। ओके तो ये अभी आपका इसका साइन का हो गया है कि आपको पता लग गया कौन बड़ा कौन छोटा होता है इसमें। ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अभी 8 में हम लोगों के पास आएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ इंटीजर किए थे, अभी है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो ये देखिए इसका जो मेन है, टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज टू बी ऐड इट्स अपोजिट नंबर टू द अदर नंबर। फॉर एग्जांपल 8 माइनस, और इसके साइड में माइनस है तो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, तो 8 प्लस 6 ऐसा आएगा। ठीक है, अभी हम ये वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द नंबर इन द टॉप रो। ठीक है, ये टॉप रो के जो नंबर्स दे रखे हैं फ्रॉम द नंबर इन द फर्स्ट कॉलम, और ये कॉलम में नंबर दे रखे हैं, एंड राइट द प्रॉपर नंबर। ओके ये आपको एग्जांपल्स करके दे रखे हैं, बाकी ये हमें खुद सॉल्व करने। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। ओके नाउ फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द नंबर, तो फर्स्ट ये सॉल्व करके दिया हुआ है 3 माइनस 6 ये वाला। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि बिगर नंबर पे क्या है, माइनस का साइन है। ओके नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है आपका 3 माइनस 9। देखिए अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे नीचे, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6। माइनस का साइन क्यों रखा है, क्योंकि बिगर नंबर पे क्या है, माइनस का साइन है। ओके नेक्स्ट 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है। ओके तो इसका क्या होगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। वी राइट या, हाँ फर्स्ट वी राइट या 6, इसका जो आंसर आया था, ये वाला जो आंसर आया था ना इन दोनों का, अभी ये 7। ओके नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपका 3 एंड माइनस 5, 3 माइनस माइनस 5, 3 माइनस माइनस 5। ओके इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस। ओके एंड 5 इक्वल टू 8। ओके तो वी राइट हियर, यहाँ पे हम ये सॉल्व करने को दिया हुआ है ना, तो वी 3 माइनस माइनस 5 ओके इक्वल टू 8। ये आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, वी राइट हियर आंसर। नेक्स्ट इज 3 माइनस 0। ओके तो 3 माइनस 0, आपको बोला था 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करना या एडिशन करना होगा, तो सेम नंबर आता है, राइट या 3। ओके नेक्स्ट इज 3 माइनस प्लस 7, 3 माइनस प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। ओके 3 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, -4। वी राइट हियर -4। ओके नाउ 3 माइनस -8, -8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। वी राइट हियर 11। ओके नेक्स्ट इज 3 माइनस -3, 3 माइनस -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ओके वी राइट या 6। ओके तो ऐसे ही सब सेम सॉल्व करना है। अभी हम ये नेक्स्ट लाइन का सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 6। ओके 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ओके
तो वी राइट हियर 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइनस का साइन आया था, बट यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि बिगर नंबर पे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए बड़ा नंबर का हमेशा जो बिगर नंबर था उसका साइन आता है ना, तो यहाँ पे नहीं आया है। नेक्स्ट इज 8 माइनस 9। ओके, 8 माइनस 9 इक्वल टू 1 आया, और साइन किस करेगा, बिगर नंबर का माइनस, वी राइट हियर माइनस वन। ओके, नेक्स्ट इज 8 माइनस किसे, माइनस फोर। ओके, इक्वल टू, अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, नेक्स्ट इज 8, ये देखिए, ये तो सॉल्व करके दे रखा है, ठीक है, 8 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो वी राइट है 8 प्लस 5 इज 30। ठीक, नेक्स्ट इज 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 आपको बताया था सेम नंबर आता है, वी राइट है 8। नेक्स्ट इज 8 माइनस प्लस 7, 8 माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस हो गया है, ओके, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर का, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है ना, 8 इज बिगर देन 7, वी राइट हियर 1। नेक्स्ट इज 8 माइनस माइनस 8, माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, वी राइट हियर 16। नेक्स्ट इज 8 माइनस माइनस 3, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया है, 11, वी राइट है 11। ओके, अभी हम नेक्स्ट उसमें आएंगे, नेक्स्ट है -3। ओके, देखिए ये है -3 -3 -6, ओके, और ये कैसा 6 है, ये पॉजिटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, अभी ये कैसे है, देखिए माइनस इज इक्वल टू -3 ± -6। अभी देखो सेम साइन है, तो सेम साइन में क्या करते हैं, एडिशन करना है, एडिशन किया है 6 + 3 9, यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस, ओके, ये आ गया है, तो वी राइट हियर -3 - 6 इज इक्वल टू -9। ओके, नेक्स्ट इज -3 - किसके साथ 9, +9 है इक्वल टू -3 + -9 इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस ऐड करते हैं इन दोनों को, ऐड करेंगे कितना आएगा, 12, और साइन आएगा आपका माइनस, ओके, तो ये जो साइन आया आपको -12, वी राइट हियर -12। ओके, नेक्स्ट इज 3 - 3 - 4, -3 - -4, ओके, देन वी राइट हियर -4। अभी ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए हैं, बट अभी क्या आ गए, दो अभी अपोजिट हो गए हैं ना, साइन हो गए हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 3 = 1,
और बिगर नंबर प्लस में है तो प्लस वन. ओके वी राइट हियर वन और प्लस वन वी राइट हियर. ओके वन. नेक्स्ट इज माइनस थ्री और क्या है माइनस फाइव. माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस प्लस. ओके प्लस फाइव इज इक्वल टू अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव माइनस थ्री इज टू प्लस टू. ओके वी राइट हियर टू. ओके देन माइनस वी राइट हियर माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव इज इक्वल टू टू आंसर. पॉजिटिव नंबर का साइन लिखना इट इज नॉट नेसेसरी. ओके नेक्स्ट इज माइनस थ्री एंड माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस जीरो. तो ये आपको पहले भी बताया गया है कि क्या करना है सिंपली सेम नंबर लिख देना है माइनस थ्री. ओके नेक्स्ट इज माइनस थ्री माइनस प्लस सेवन. ओके तो माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस. ओके इक्वल सॉरी माइनस इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे माइनस सेवन. ठीक है अब माइनस माइनस का साइन आ गया दोनों में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो सेवन प्लस थ्री टेन साइन आएगा माइनस. ओके तो वी राइट हियर माइनस टेन. ठीक है देन माइनस थ्री एंड माइनस एट माइनस माइनस एट. ओके माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस एट. अब डिफरेंट साइन हो गए हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें तो एट माइनस थ्री फाइव. साइन किसका आएगा बिगर नंबर का यानी कि प्लस पॉजिटिव तो वी राइट हियर फाइव. ओके नेक्स्ट है माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री. ये माइनस थ्री प्लस थ्री तो अभी सेम देख सेम नंबर है और इनका जो साइन है क्या है साइन डिफरेंट साइन है ना अलग अलग साइन है एक प्लस का एक माइनस का है तो आंसर आएगा आपका ज़ीरो और ज़ीरो का कोई भी साइन नहीं होता. ओके ये हम ठीक है अभी हमारा ये लास्ट वन बच गया है माइनस टू ये वाला माइनस टू एंड माइनस प्लस सिक्स. ओके ये आया है ना तो इसको हम लोग कैसे करेंगे माइनस टू प्लस माइनस माइनस सिक्स सेम सेम साइन आ गया है दैट मीन्स को ऐड करेंगे सिक्स प्लस टू एट और साइन रहेगा माइनस का. ये वी राइट है यहाँ पे हमको पूरा लिखना है ना तो वी राइट है माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस एट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज माइनस टू माइनस प्लस नाइन है ना इसमें पॉजिटिव नंबर है देन माइनस टू प्लस माइनस माइनस इक्वल टू अभी माइनस माइनस आ गया है ऐड करना पड़ेगा इलेवन और साइन आएगा माइनस का वी राइट है माइनस इलेवन. ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट आएगा आपका माइनस टू ये एंड माइनस नाइन के बाद क्या है फोर है ना माइनस फोर तो माइनस माइनस फोर. ओके तो माइनस टू माइनस माइनस प्लस. ओके अब डिफरेंट साइन आ गए हैं दैट मीन यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा फोर माइनस टू टू और साइन किसका बिगर नंबर का यानी कि पॉजिटिव साइन वी राइट हियर टू. ओके फिर यहाँ पे तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा माइनस टू माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा
माइनस फाइव, माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया है और ये माइनस आ गया है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, थ्री। ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस टू, माइनस टू माइनस ज़ीरो। ओके, तो आपको बताया था किसी भी नंबर से ज़ीरो को करते हैं तो क्या आएगा आंसर, सेम नंबर आएगा, माइनस टू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस टू और प्लस सेवन, माइनस प्लस सेवन, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस, माइनस सेवन, माइनस सेवन इक्वल टू सेम साइन आ गए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, सेवन प्लस टू नाइन और साइन आएगा माइनस का, वही राइट है यार, माइनस नाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका है माइनस टू, ओके, और माइनस एट। ठीक है, तो माइनस टू माइनस माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, ओके, तो प्लस एट, अभी भी डिफरेंट साइन आ गए हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एट माइनस टू सिक्स, बिगर नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो वी राइट हियर ओनली सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस टू, माइनस किसका है लास्ट नंबर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस टू माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री इक्वल टू डिफरेंट साइन, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वन और बिगर नंबर का साइन है प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर, वी राइट हियर ओनली वन। ओके, तो दिस इज योर प्रैक्टिस सेट नंबर एट, ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए। ठीक है, ये सॉल्व को आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको बराबर आपको पता लगेगा कि साइन के थ्रू हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये आपका इंटीजर्स आपका फिनिश हो चुका है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आपका लेसन रहेगा वो करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, बाय।